Hello everyone. So in this video, I will be discussing about the previous year questions from the chapter Structural Organization in Plants. And इस chapter में जो हम basically study करते हैं, यहाँ पर हम plant morphology के बारे में study करते हैं. Structural organization में plant morphology यहाँ पर आ जाता है. Morphology में हमारा stem, root and leaf यहाँ पर आ जाता है. Morphology study करते हैं इसमें, और हम यहाँ पर anatomy study करते हैं. Anatomy of root, leaf and stem. एंड इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक यहाँ पर आ जाता है. सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में कैसे होता है, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर बनता है इस यूनिट में ही. टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ फ्रूट यहाँ पर आ जाता है. एंड फैमिलीज से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि डिफरेंट टाइप की जो फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, मतलब ये क्वेश्चंस यहाँ से, ये टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं जो हमारा बेसिकली इस यूनिट में यहाँ पर आता है. एंड इस यूनिट से आप लोग बेसिकली 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर से किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिलोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें, यहाँ पर हमारे पास वस्कुलर बंडल का यहाँ पे डिफरेंस था. वस्कुलर बंडल में यहाँ पे क्या क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर आता है. अब जाइलम एंड फ्लोएम में देखो क्या डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है. अगर हम जाइलम का देखें, इन जिम्नोस्पर्म और यहाँ पे हमारा क्या जाता है, ये एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे क्या होता है, नो वेसल्स, वेसल्स नहीं होती है. लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पे अगर हम जाइलम एंड फ्लोएम का यहाँ पर देखें, तो जाइलम का जो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि जाइलम में जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती है. लाइकवाइज फ्लोएम का अगर हम देखें, फ्लोएम में जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं यहाँ पे कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, नो कंपेनियन सेल्स. ठीक है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो कंपेनियन सेल्स. तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वहां पे क्या होता है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर ये सेम क्वेश्चन जाइलम के लिए आता है, तो जाइलम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वेसल्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, एंड यहाँ पर एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कोर टिश्यू. अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन यहाँ पर है. सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट में क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलती है. राइट, अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, यहाँ पर दो टाइप के हमारे पास कैम्बियम आता है. एक आता है यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर आता है, और एक यहाँ पर आता है कोर्क कैम्बियम, जो यहाँ पर रोल प्ले करता है इन सेकेंडरी ग्रोथ. अब ये जो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए सेकेंडरी ग्रोथ में, ये कोर्क कैम्बियम से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ. ठीक है, कोर्क कैम्बियम से क्वेश्चन है. अब ये जो कोर्क कैम्बियम होता है, ये बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा जो कोर्टेक्स रीजन होता है, वहाँ पे जो कुछ सेल्स होते हैं, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक लेयर वहाँ पर बनती है. तो वहाँ पर क्या बनता है, कोर्टेक्स, यहाँ पे कोर्क कैम्बियम यहाँ पे बनता है. ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ये क्या बना, कोर्क कैम्बियम यहाँ पे, मतलब एक मेरिस्टेमेटिक लेयर यहाँ पे बनती है. कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर यहाँ पर आती है, कोर्क कैम्बियम यहाँ पे बनेगा ये. अब ये जो कोर्क कैम्बियम है, ये क्या करता है, बाहर की तरफ सेल्स को यहाँ पे डिवाइड करता है, आउटर साइड पे सेल्स की डिवीजन यहाँ पर होती है, एंड इनर साइड पे क्या करता है, ये सेल्स को डिवाइड यहाँ पे करता है. डिवीजन हो गई आउटर सेल्स पे, एडिशन होगी सेल्स की, एंड इनर साइड पे क्या करता है, ये सेल्स को एड यहाँ पर करता है. अब आउटर सेल में, आउटर साइड पर जो यहाँ पे सेल्स आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कोर्क. ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक लेयर कोर्क कैम्बियम, आउटर साइड पे जो सेल्स यहाँ पर लेयर यहाँ पर आती है, इसे कोर्क बोलता है. एंड इनर साइड पे जो हमारे पास आता है, ये हमारे पास होता है सेकेंडरी कोर्टेक्स. ठीक है, ये क्या बनता है, ये होता है सेकेंडरी कोर्टेक्स यहाँ पर होता है, जो इनर लेयर यहाँ पर होती है. आउटर में कोर्क आता है और ये कोर्क कैम्बियम यहाँ पे. अब ये जो कोर्क कैम्बियम होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम फेलोजन. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फेलोजन बोलते हैं. और जो कोर्क होता है, कोर्क के लिए हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है फिल्म. ठीक है, यहाँ पे ये जो कोर्क होगा, कोर्क के लिए हमारे पास टर्म आती है, यहाँ पर हम यूज करते हैं फिल्म यूज करते हैं. ठीक है, और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स होता है, इसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं फेलोडर्म.
यहां पर आता है फेलोडर्म। तो यहां पे देखो तीन यहां पे लेयर्स बनी, आउटर लेयर फिल्म यहां पर आता है, फिर फेलोजन यहां पर आता है मेसमेटिक लेयर, एंड इनर लेयर यहां पे फेलोडर्म यहां पर आता है। और इन्हीं तीनों को कंबाइन करके, इन तीनों लेयर्स को कंबाइन करके हमारे पास टर्म यहां पे बनती है पेरिडर्म। ठीक है, यह क्या बनता है पेरिडर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कोर्क टिश्यू, मतलब इनमें से कौन सा लेयर होगी या फिर कौन से सेल्स होते हैं जो कोर्क टिश्यू को, मतलब कोर्क टिश्यू की फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। कोर्क टिश्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे जो कोर्क की सेकेंडरी फिल्म वाला जो पार्ट हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, कोर्टेक्स, कोर्क यहाँ पर हुआ। अब कोर्क को यहाँ पे कौन यहाँ पे बना रहा है, कोको बनाने के लिए कोर्क कैम्बियम यहाँ पर है, कोर्क कैम्बियम को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं फेलोजन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेलोजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैस्पेरियन स्ट्रिप से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है एंडोडर्मिस होता है। अगर आप एनेटमी यहाँ पर देखिए, एनेटमी ऑफ रूट, रूट की जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास एंडोडर्मिस आता है, एंडोडर्मिस में क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, सेल्स में यहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है, थिकनिंग ऑफ सबेरिन मटेरियल, सबेरिन मटेरियल यहाँ पे क्या करते हैं थिक यहाँ पर होता है, थिकनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये जो थिक लेयर होती है इसे को हम क्या बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, वाटर को ये पास नहीं होने देती है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस में। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंडोडर्मिस यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश मोनोकोट प्लांट फ्रॉम डाइकोट प्लांट। अब मोनोकोट और डाइकोट प्लांट में क्या मेन फीचर यहाँ पे आता है जो मेनली डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करता है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में फाइलोटेक्सी आता है, वेनिएशन आता है, वर्मेशन आता है, एस्टिवेशन। अब इसमें से अब ये बहुत बेसिक है कि वेनिएशन का बेसिक डिफरेंस हम करते हैं बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट में वेनिएशन कैसे होता है, यहाँ पे पैरलर वेनिएशन, मतलब यहाँ पर जो लीफ होते हैं, लीफ में यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है कैसे होते हैं पैरलर अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, मोनोकोट प्लांट में लीव्स कैसे होता है पैरलर वेनिएशन प्रेजेंट होती है, बट इन डाइकोट प्लांट लीफ में वेनिएशन कैसे देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनिएशन, मतलब यहाँ पे नेटवर्क देखने को मिलता है। तो इस टाइप के वेनिएशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क जो प्रेजेंट होगा रेटिकुलेट वेनिएशन यहाँ पर आता है। तो डाइकोट में रेटिकुलेट वेनिएशन आता है, मोनोकोट में पैरलर वेनिएशन। तो डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वेनिएशन में यहाँ पर आता है। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हाइपनथोडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ। अब ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर है। अब हम इन्फ्लोरेसेंस की टाइप बेसिक करते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस के टाइप में बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हम करते हैं। एक फर्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है, हमारे पास रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस आता है। ठीक है, ये बेसिक आपने पढ़ा होगा, हमारे पास कैसे होता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। और एक हमारे पास यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, और एक थर्ड जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है वो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसी में ही हम तीन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे हाइपनथोडियम आ जाता है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस आता है, एक साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है। तीन टाइप की स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आती है, हाइपनथोडियम, वर्टिसिलास्टर एंड साइंथियम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में भी किससे पूछा हुआ है, ये हाइपनथोडियम से यहाँ पर आता है। अगर हम हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं वो फ्लिशी हो जाती है, और वो पियर शेप, ऐसे पियर शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस का बन जाता है। और इससे जो पियर शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस का बनता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल एक्सिस यहाँ पे कैसे बनती है, पियर शेप फ्लोरल एक्सिस यहाँ पे बनती है, और फ्लोरल एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे आता है हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब कि यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर यहाँ पे कैसे होंगे, अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट में यहाँ पे आ जाता है मेल फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बेस यहाँ पर आता है, बेस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर यहाँ पे कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो रीजन आता है, यहाँ पे मेल फ्लावर्स आता है ना, बेस पे क्या आता है, फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं।
हार्पन थोड़ी इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल एक्सिस फ्लेशी हो जाती है, पियर शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या जाता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये जो हार्पेंथोनियम इन्फ्लोरेसेंस होता है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है, एक तो फाइकस में देखने को मिलता है, जो बनियान ट्री होता है फाइकस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिग आ जाता है, फिग में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे पीपल। तो ये तीन एग्जाम्पल मेन फेमस एग्जाम्पल आते हैं जिसमें हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइकस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारा मास्टर कैडर 2017, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एज द सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड्स इन डाइकोट स्टेम द थिकनेस ऑफ, अब सेकेंडरी ग्रोथ जब हम करते हैं, अब सेकेंडरी ग्रोथ में जो वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होता है यहाँ पर क्या बनता है, वस्कुलर कैम्बियम की रिंग यहाँ पे बनती है, कैम्बियम रिंग जिसे बोलते हैं, रिंग की फॉर्मेशन होती है। रिंग यहाँ पे क्या करती है, इनर साइड पे सेल्स को डिवाइड करते हैं, आउटर साइड पे, आउटर साइड पे सेल्स को डिवाइड करती है। अब ये जो वस्कुलर कैम्बियम होता है यहाँ पर इसकी जो एक्टिविटी होती है टुवार्ड्स इनर साइड ये मोर एक्टिव होता है, इनर साइड की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है, तो यहाँ पे सेल्स को ज़्यादा डिवीजन यहाँ पे सेल्स की इनर साइड पे यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, इनर साइड पे सेल्स यहाँ पे डिवाइड करता रहता है, आउटर साइड पे जो होता है ये थोड़ा स्लो होता है, यहाँ पे जो डिवीजन होती है थोड़ी स्लो डिवीजन होती है। कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली इनर साइड पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जब वो इनर साइड पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेल्स के डिवाइड यहाँ पे करते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है एक्यूमुलेशन यहाँ पे होती रहती है प्राइमरी टिश्यूज़ की, जो जैसे यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू जितने भी होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, और वो किसकी फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, हार्ट वुड की फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पर जो सेंटर में जो डार्क पोर्शन यहाँ पर हो जाता है वुड में, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो हार्ट वुड यहाँ पे आता है। ठीक है, और जो पेरिफेरी का जो लाइटर पोर्शन होगा, मतलब ये सेंटर का जो ये डार्क पोर्शन होता है ये हार्ड वुड होता है, और पेरिफ्री पे जो यहाँ पे क्या आता है लाइटर वुड आता है, ये सॉफ्ट वुड यहाँ पे होता है। और जो हार्ड वुड होता है सेंटर में होता है, और इसकी थिकनेस क्या करती है सेकेंडरी ग्रोथ जैसे जैसे प्रोसीड करे इसकी थिकनेस इंक्रीज करता है। अभी इसका रीजन यहाँ पे क्या बताया कि जो वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वस्कुलर कैम्बियम क्या करता है इनर साइड पे ज्यादा एक्टिव होता है देन द आउटर साइड। इनर साइड पे एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होते रहते हैं, यहाँ पे लेयर्स की एक्यूमुलेशन होती रहती है, और जो ये हार्ड वुड होता है इसकी थिकनेस यहाँ पे क्या करते रहते हैं इंक्रीज यहाँ पे करते रहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड करती है डाइकोट स्टेम में, तो थिकनेस यहाँ पे हार्ड वुड की क्या करती है इंक्रीज यहाँ पे करती है। सो आंसर यहाँ पे होगा हार्टवुड इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोटैटोज आर बोर्न ऑन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोटैटोज कहाँ पर बोर्न करते हैं। अगर हम पोटैटोज का जर्नली देखें, पोटैटोज हमारे पास कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आ जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में यहाँ पर जो पोटैटोज होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, ये ट्यूबर्स यहाँ पर आते हैं, ट्यूबर्स की फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, ट्यूबर्स यहाँ पर आता है पोटैटोस। अब ये पूछा है कि पोटैटोस कहाँ पर बोर्न करते हैं। अब ट्यूबर हमारे पास कहिए अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पर होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अब ये कहाँ पर बोर्न करता है, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट होता है हमारे पास जो मेन ब्रांच होगी, प्राइमरी रूट पे पोटैटोस ग्रो नहीं करते। लेटरल रूट होता है कि ये मेन प्राइमरी रूट से ही जो ब्रांचेस यहाँ पे अराइज हो रही है लेटरल रूट होगा, यहाँ पर भी पोटैटोस बोर्न नहीं करते। एडवेंटिशियस रूट हमारे पास होता है कि जो मेनली क्या करता है रेडिकल से अराइज ना होकर किसी अदर पार्ट से जो अराइज होता है वो एडवेंटिशियस रूट, और एडवेंटिशियस रूट से भी हमारे बेसिकली पोटैटोस बोर्न नहीं होते। तो पोटैटोस मेनली कहाँ पर बोर्न होता है, दे आर एग्जाइल ऑफ द स्केली लीव्स, स्केली लीव्स के एग्जाइल पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाइल ऑफ स्केली लीव्स यहाँ पर आएगा। सो नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड प्रोपेगेशन। अब यहाँ पे बोला स्टेम। ठीक है, अब ये जो चारों यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए फोर एग्जाम्पल्स, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे इसमें से कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो जिंजर यहाँ पर आता है, जिंजर ही यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पे शुगर बीट, रेडिशन, ग्राउंडनट देखें, ये तीनों यहाँ पे किसकी मॉडिफिकेशन आता है, रूट की मॉडिफिकेशन यहाँ पर आता है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, स्टेम किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्टोरेज एंड प्रोपेगेशन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंजर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मरिक इज स्टेम नॉट अ रूट, बिकॉज टर्मरिक हमारे पास स्टेम है ये रूट नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम स्टेम का जनरली देखें, स्टेम का फीचर क्या होता है कि स्टेम में क्या प्रेजेंट होंगे, नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, नोड्स
एंड इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्टेम का ये फीचर होगा। अब टर्मरिक में भी क्या देखने को मिलता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलता है, तभी हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास स्टेम है, रूट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं इट हैज डाइकोटोमी। डाइकोटोमी मतलब होता है रिपीटेड ब्रांचेस, ब्रांचेस प्रेजेंट होना, तो डाइकोटोमी नहीं होता। नेक्स्ट इट ग्रोस पैरेलल टू द सोइल सर्फेस, सोइल सर्फेस से पैरेलल ग्रो करते, तो ये भी फीचर नहीं बताएगा कि ये स्टेम है, रूट नहीं है। अब थर्ड यहाँ पर आता है इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि इनके पास क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये स्टेम होता है, नोटा रूट। ये इनके पास क्लोरोफिल, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं आता कि क्लोरोफिल यहाँ पर होगा। सो यहाँ पे आंसर में यहाँ पे क्या जाएगा, सी यहाँ पर आंसर होगा। सी मतलब यहाँ पे इनके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स यहाँ पर होते हैं, टर्मरिक स्टेम होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नोड्स एंड इंटरनोड्स है, इसलिए इसको रूट नहीं बोलते। नेक्स्ट आता है एरिस्मस इन्फ्लोरेसेंस विद सेसाइल एक्रोपिटल फ्लावर इज कॉल्ड। अभी हमने क्या था कि इन्फ्लोरेसेंस तीन टाइप की होती है, एरिस्मस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप। अब ये सेसाइल यहाँ पर क्या होता है, सेसाइल हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं विदाउट स्टोक, मतलब जिनके पास स्टोक नहीं होता। स्टोक अगर हम बोले, अब जैसे हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर के स्टोक को हम बोलते हैं पेडिसिल। सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि जिनके पास पेडिसिल नहीं होती, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं। अब रेस्मोस इन्फ्लोरेसेंस जब हम डिटेल में करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, इसकी भी फर्दर टाइप होती है, दो टाइप की होती है, पेडिसिलेट फ्लावर्स आते हैं, सेसाइल फ्लावर यहाँ पर आते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, मतलब ये कोरियम, अम्बल एंड रेस्मी, तीनों में यहाँ पे क्या होगा, पेडिसिल प्रेजेंट होगी। सेसाइल फ्लावर में एक इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे आता है, वो होता है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में ऐसे होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं इनमें ससाइल फ्लावर्स होते हैं, तो इनमें कोई भी स्टोक नहीं होता, इनकी अरेंजमेंट यहाँ पर स्टेम एक्सिस पे, यहाँ पे फ्लावर्स ऐसे अरेंज होता है, तो इस टाइप की अरेंजमेंट कैसे होता है, स्पाइक होते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्पाइक। सो नेक्स्ट आता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस शोज। अभी देखो फिर से इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आया, इन्फ्लोरेसेंस में भी यहाँ पे हैपन थोड़ी, अभी हमने क्या था स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एंड सेकेंड इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है। अभी जो हाइपनथोडियम एंड साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है, ये दोनों टाइप ऐसे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं कि जहाँ पे हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो साइथियम है एंड द हाइपनथोडियम, ये दोनों ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल ना प्रेजेंट होके, फ्लावर यहाँ पे कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखो, यहाँ पे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर कैसे होते हैं, अगर हम ये साइथियम देखें, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लोरल एक्सेस होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, और फ्लैट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पे फीमेल फ्लावर सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टैमन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ईच स्टैमन यहाँ पे मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, ए स्टेमन रिप्रेजेंट मेल फ्लावर। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस साइथियम होता है, तो इसमें क्या होगा, वन सेंट्रल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर। मेल फ्लावर एक्चुअल में यहाँ पे जो स्टैमन्स होता है, स्टैमन्स ही मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, वन सेंट्रल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मेनी मेनी मेल फ्लावर्स। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स ओपन एंड क्लोज्ड। अब ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर आता है, वैसे ये क्वेश्चन प्लांट फ्यूजो से बनता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे कौन रेगुलेट करता है, तो इसका सिंपल क्या होगा, स्टोमेटा हमारे पास क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल्स सराउंड ग्राउंड, गार्ड सेल्स को सराउंड करने के लिए यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, गार्ड सेल की इनर थिकनेस प्रेजेंट होता है, थिनर लेयर होती है, आउटर वाली थीन होती है। अब गार्ड सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, और यहाँ पे टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, टर्गर प्रेशर डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या आता है, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स मेनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग को यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेट यहाँ पर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मास्टर कहते हैं 2020 से। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पे क्या था, वर्ल ऑफ ब्रिक्स, वर्ल ऑफ ब्रिक्स प्रेजेंट बिलो द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड। अब ब्रेक्ट की हमारे पास, ब्रेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का जो हमारे पास, अब फ्लावर का जो बेस होता है वहां पर क्या होता है, एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे ब्रेक्ट हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ब्रेक्ट होता है ना, अब ब्रेक्ट की मॉडिफिकेशन में हम करते हैं, अगर हम सनफ्लावर देखें ना, तो सनफ्लावर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे वर्ल्ड में, मतलब यहाँ पे लेयर्स में, यहाँ पे वर्ल्ड मतलब एक पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पे किसका, ब्रेक्ट का यहाँ पे पूरा पूरा सर्कल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो वर्ल्ड ऑफ ब्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इन्वोल्यूकर, इन्वोल्यूकर यहाँ पर आता है।
साइथियम अभी क्या टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इन्वोल्यूकर यहाँ पर होगा कि जो कहाँ पे प्रेजेंट, ये क्या होता है वर्ल ऑफ ब्रेक, किस में आप प्रेजेंट होगा ये इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर ये खुद में एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा ब्रेक्ट का एक वर्ल्ड प्रेजेंट होता है, उसे इन्वोल्यूकर बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइकोलेट्रल वस्कुलर बंडल। अब ये टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल से क्वेश्चन यहाँ पर आया है, डिफरेंट टाइप के वस्कुलर बंडल हम करते हैं, कंजॉइंट आता है, कोलेट्रल आता है, ओपन क्लोज, डिफरेंट टाइप के वस्कुलर बंडल्स आते हैं। अब ऐसे एक यहाँ पे बाइकोलेट्रल वस्कुलर बंडल आता है। अब बाइकोलेट्रल वस्कुलर बंडल लिखे ना, तो ये कैसा वस्कुलर बंडल होता है कि इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ये प्रेजेंट होता है, ये जो पार्ट होता है ये हमारे पास होता है जाइलम, जाइलम इज सराउंडेड बोथ साइड से, किससे सराउंड होता है ये फ्लोएम से सराउंड होता है, फाइलम यहाँ पे फ्लोएम, फ्लोएम में यहाँ पे क्या हुआ किस मतलब फ्लोएम के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा जाइलम, तो जाइलम को सराउंड यहाँ पे कौन कर रहा है फ्लोएम यहाँ पे कर रहा है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे क्या बोला जाइलम बिंग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, मतलब जाइलम यहाँ पे सैंडविच है बिटवीन द फ्लोएम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसी को हम क्या बोलते हैं बाइकोलेट्रल बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ वस्कुलर बंडल ये नहीं होता, ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग भी नहीं होता, फ्लोएम बिंग सैंडविच बिटवीन जाइलम ये नहीं होता, फ्लोएम बिंग सैंडविच बिटवीन जाइलम का मतलब क्या हो जाएगा कि सेंटर में यहाँ पे फ्लोएम आ जाएगा एंड पेरिफेरी पे यहाँ पे क्या जाइलम। तो एक्चुअल में जो बाइकोलेट्रल वस्कुलर बंडल होता है यहाँ पर हमारे पास जो जाइलम होता है जाइलम यहाँ पे सैंडविच होता है बिटवीन द फ्लोएम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ ट्री ग्रोज ओल्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस मोर रैपिडली इन थिकनेस। अभी हमने ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला क्वेश्चन अभी आया था, तो वहां पर देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ जैसे जैसे होती है तो वहां पर क्या होता है हार्डवुड की थिकनेस वहां पर इंक्रीज करती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड देन द आउटर साइड। तो अभी फिर इसलिए इनर साइड पे एक्टिव होने की वजह से वहां पर किसकी हार्डवुड की थिकनेस वहां पर इंक्रीज करती है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हार्डवुड। सो अभी 2020 में ये क्वेश्चन थे, अभी जो 2021 मास्टर कैडर था वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें क्या था द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए यहाँ पे मेन पाथवे मतलब प्रिंसिपल पाथवे यहाँ पे क्या रहता है, अभी क्या था कि वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए जाइलम यहाँ पर होंगे, ठीक है, जाइलम यहाँ पे वाटर ट्रांसलोकेट करता है, और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है फ्लोएम यहाँ पर आता है, ठीक है, फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए होगा यहाँ पे फ्लोएम एंड वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए यहाँ पर आता है जाइलम। अब जाइलम में भी जो प्रिंसिपल जो मेन यहाँ पे रोल प्ले करता है वो क्या होता है जाइलम वेसल सिस्टम, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जाइलम वेसल सिस्टम यहाँ पे ये आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पूछा होता प्रिंसिपल पाथवे फूड ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स होगा या फिर कंपेनियन सेल्स आता है जो मिलने के कहते हैं फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जाइलम यहाँ पे वाटर एंड फूड दोनों का पूछा होता तो आंसर इसका जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर आता। सो अभी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है थिक एंड वुडी क्लाइंबर्स आर कोल्ड एज। अब ये हम ना मॉडिफिकेशंस करते हैं स्टैम की मॉडिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम करते हैं, तो वहाँ पे स्टैम की मॉडिफिकेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्टैम्स वहाँ पर आते हैं जिसमें हम करते हैं रनर्स करते हैं, क्रीपर्स आता है, क्लाइंबर्स आता है, सकर्स, स्टोलेंस, लियानास हम करते हैं। तो वहाँ पर जो थिक एंड वुडी क्लाइंबर्स होता है, वुडी क्लाइंबर्स इंपॉर्टेंट है, क्लाइंबर्स हमारे पास नॉर्मली भी होते हैं कि जो क्या करता है प्लांट को हेल्प करते हैं क्लाइंब करवाने में, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुडी होते हैं वुडी क्लाइंबर्स हमारे पास होता है लियानास, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा लियानास यहाँ पर होगा, जो बेसिकली क्या करते हैं ठीक है वुडी क्लाइंबर्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लियानास बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।